नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मातम में बदला जन्मदिन का जश्न। नॉर्मेंडी के एक बार में लगी भीषण आग, 13 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार की रानी है हिलेरी। राष्ट्रपति पद के लिए हिलेरी के चुने जाने पर देश का हो जाएगा विनाश। दक्षिण चीन सागर पर चीन को भारत से है सहयोग की दरकार। 3 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वैंग यी। एनएसजी पर भारत की सदस्यता का चीन ने किया था विरोध। ईरान ने पोकेमोन गो पर लगाया प्रतिबंध। वर्चुअल स्पेस की उच्च परिषद ने लिया फैसला। गेम खेलते वक्त लोग हो चुके हैं दुर्घटनाओं का शिकार। पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय हामिद अंसारी पर हमला। हथियारों के साथ बैरक में रखने पर उठे सवाल। अदालत ने 3 साल की सुनाई थी सजा, जबकि पिछले 4 साल से जेल में बंद है हामिद। ताइवान में बीते साल 3,675 आत्महत्याएं हुई, 2014 के आंकड़े से 4% ज्यादा। स्वास्थ्य कल्याण विभाग ने दी जानकारी। ईरान के गोनावे शहर के पास गैस पाइपलाइन में धमाका। आसपास के गांवों को कराया गया खाली। हादसे में कोई हताहत नहीं। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।